तिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशराकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरु नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्याप्रभुनित्यानन्दा श्रीयद्वैतगतादा शिवासतिगौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्गायिते गिरिं तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम् हरे कृष्णा तो नाइन्थ चैप्टर कर रहे हैं हम लोग नाइनटींथ श्लोका करेंगे आज तपा अहम अहम वर्षम निघृनामी उत्सृजा च अमृतम चैव मृत्युश्च सदा हम अर्जुन ट्रांसलेशन अर्जुन आई गिव हीट एंड आई विद होल्ड एंड सेंड फोर्थ द रीन आई एम इमोर्टैलिटी एंड आई एम ऑल्सो डेथ परसोनिफाइड बोथ स्पिरिट एंड मैटर आर इन मी तो कृष्णा <Krishna coughs> ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहे हैं नाइन्थ uh, चैप्टर में और बता रहे हैं कि कैसे एवरीथिंग इज एक्चुअली हर चीज़ में आपको भगवान का हाथ दिले, मिलेगा भगवान की के सेंक्शन के अलावा कुछ हो नहीं सकता और इवन तो हम देखते हैं कि अग्निदेव हैं इंद्रदेव हैं इतने सारे देवता हैं लेकिन एक्चुअली भगवान की परमिशन के बिना ये काम नहीं कर सकते अगर अग्निदेव सोचे कि मैं ही अग्नि दे सकता हूँ तो एक्चुअली ये जो उनको डेजिग्नेशन मिली है ये एक्चुअली कृष्णा से मिली हुई है तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान कन्फर्म करें आई गिव हीट एंड आई विद होल्ड एंड सेंड फॉर द रेन आई एम इमोर्थलिटी हम सुनते हैं कि कैसे हिरण्य कश्यप ने बोला ब्रह्मा जी को कि <coughs> मुझे इमोर्टल रहना है मतलब तो कभी भी कोई मुझे मार ना सके मगर ब्रह्मा uh, जी वो उनको दे नहीं पाए आशीर्वाद क्योंकि ब्रह्मा जी खुद भी इमोर्टल नहीं है लेकिन कृष्णा जो है ही कैन से आई एम इमोर्टैलिटी और भगवान की जो शरण में आ जाता है और भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है वो भी इमोर्टल हो जाता है एक्चुअली क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम में आए थे वो कभी वापस नहीं आता तो कभी मृत्यु नहीं होती उसकी तो इमोर्टाइल हो जाता है वो कभी मरता नहीं है मतलब आई एम इमोटैलिटी एंड आई एम ऑल्सो डेथ पर सोनिफाइड और डेथ भी जो है वो भगवान हालांकि हम देखते हैं यमराज रेमदूत के बारे में हम सुनते हैं लेकिन एक्चुअली उनको एम्पावर किसने किया भगवान ने किया बोथ स्पिरिट एंड मैटर आर इन मी तो स्पिरिट मतलब कि जो जीवा है जो कॉन्शियसनेस है कॉन्शियसनेस uh, का सोर्स रादर वो स्पिरिट हो गया और मैटर मीन्स मटीरियल चीज़ें तो ये भगवान की दोनों एनर्जीज हैं सुपीरियर और इन्फीरियर <coughs> तो अब पढ़ते हैं कृष्णा बाय हेज डिफरेंट एनर्जीज डिफ्यूज हीट एंड लाइट थ्रू द एजेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द सन ड्यूरिंग द समर सीजन इट इज़ कृष्णा हु चेक्स रेन फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एंड देन ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही गिवज अनसीजरेंस ऑफ रेन तो हमें बताया जा रहा है कि कैसे भगवान अपनी अलग अलग, अलग शक्तियों से ये सब काम करवा रहे हैं हीट लाइट ये सब उनकी शक्तियों से आ रही है और इसी के एनर्जी को ही ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है और ये सारे एजेंट्स हैं भगवान की शक्तियों को देने के लिए सूर्य हो गया जैसे और यहाँ बताया गया है कि कैसे गर्मियाँ जब होती हैं हम देखते हैं बारिश नहीं हो रही तो वो भी भगवान के अरेंजमेंट से हो रहा है और जब रेनी सीज़न आता है तो फिर सारी बारिश आने लग जाती है तो ये सब जो अरेंजमेंट है भगवान के हो रहा है और हमारे ऑब्वियसली <coughs> हमारे कर्मों के हिसाब से भी हमारे को रिजल्ट मिलते हैं जितने हम उग्र उग्रकर्मा कुकर्मा करेंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे <coughs> uh, क्या कहते हैं सिचुएशन uh, जो है वो फेवरेबल नहीं होगी तो ये भी डिपेंड करता है <coughs> लेकिन अरेंज कौन कर रहे हैं सब ये भगवान के अरेंजमेंट से द एनर्जी विच सस्टेन्स अस बाय प्रोलोंगिंग द ड्यूरेशन ऑफ आवर लाइफ इज कृष्णा जिस शक्ति के द्वारा हमारी जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है ये बढ़ती है ये भी भगवान ही है जो प्राण वायु है हमारे अंदर, ये भी प्राण कैसे चल रहे हैं ये कैसे अपने आप को मेंटेन किया हुआ है इस बॉडी में ये भगवान के उससे अगर भगवान अलाउ ना करे परमिट ना करें तो जीवा इस शरीर में नहीं रह सकते ठीक है ना और इसीलिए मृत्यु के टाइम पे क्या होता है ये जीव जो है वो प्राणवायु जो है चली आती है बाय एनालाइजिंग ऑल दीज डिफरेंट एनर्जीज ऑफ कृष्णा वन कैन एसरटेन दैट फॉर कृष्णा देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट तो कृष्णा की तो सारी एनर्जीज हैं कृष्णा वो खुद तो दिव्य हैं लेकिन ये सारी मैटर स्पिरिट ये सब आव नहीं से है तो हर किसी चीज का सोर्स जो है भगवान ही है तो एक तरह से हम कह सकते हैं ही इज बोथ मैटर एंड स्पिरिट वही है सब कुछ और जब भक्त एडवांस होता है इन द एडवांस स्टेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस वन देर फोर मेक्स नो डिस्टिंक्शन ही सीज ओनली कृष्णा इन एवरीथिंग तो जो एडवांस हो जाते हैं वो हर जगह भगवान को तो देख सकते हैं जैसे प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल आता है कि प्रहलाद महाराज से जब हिरण्य कश्यप ने पूछा है काम्हारा विष्णु तो उन्हें कहा वो तो हर जगह है हर जगह विद्यमान है तो ऐसे हम देख सकते हैं सिंस कृष्णा इज बोथ मैटर एंड स्पिरिट द जाइंटिक यूनिवर्सल फॉर्म कम्प्राइजिंग ऑल मटीरियल मैनिफेस्टेशल्सो कृष्णा एंड पास टाइम्स इन वृंदावन एज टू हंड्रेड श्याम सुंदर प्लेइंग ऑन अ फ्लूट आर दोज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड तो हमें बताया जा रहा है कि जो भगवान सोर्स हैं मैटर स्पिरिट के तो कृष्णा इज बोथ मैटर स्पिरिट जड़ प्रकृति भी और जीव भी जो है वो भगवान की शक्तियाँ हैं तो ये जो जाइगेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान की एक विराट रूप होता है ना उसको जाइगेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म बता रहे हैं ये जो है आप देखोगे कई मटेरियल चीज़ें जड़ प्रकृति की बनी होती है जैसे अभी आएगा आगे एलैंथ चैप्टर में बताएंगे पूरा यूनिवर्सल फॉर्म और भागवतम में भी दिया गया है यूनिवर्सल फॉर्म और अलग अलग यूनिवर्सल फॉर्म्स अलग अलग एस्पेक्ट्स भगवान के बताए जाते हैं आ, कभी बोलते हैं कि किसी यूनिवर्सल फॉर्म में ये बताया जाता है कि सूर्य और चंद्रमा ये भगवान के नेत्र हैं आँखें हैं तो इस तरीके से अलग अलग मटीरियल चीज़ों को बताया जाता है कैसे भगवान से आए या राधर भगवान के विराट रूप के पार्ट्स uh, बॉडी के पार्ट्स uh, कैसे जो ह्यूज माउंटेन्स हैं आई uh, थिंक उनको कहा जाएगा कि जैसे कैसे कहिएगा बोन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी ऑफ द लॉर्ड। तो बेसिकली दिखाने के लिए के कितने विराट हैं भगवान ये uh, भगवान का दिव्य रूप नहीं है ये भगवान की का विराट रूप है दिव्य रूप है भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण राम जी ये सब जो फॉर्म्स हम देखते हैं ये हैं भगवान का दिव्य रूप ये इंटरनल है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है लेकिन जो विराट रूप होता है वो मटीरियल लोगों के मटीरियल लो वर्ल्ड के लोगों के लिए है सर एंड इन वृंदावन एज टू हंड्रेड शाम सुंदर प्लेइंग ऑन फ्लूट आर दो ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है तो ये जो जाइगेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म है ये तो उनका मटीरियल मैनिफेस्टेशन है ये भी कृष्ण है और जो पास्ट टाइम जो लीलाएँ कर रहे हैं भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ वृंदावन में खेल रहे हैं फ्लूट बजा रहे हैं ये सब भगवान के दिव्य लीलाएं है। हैं तो ऐसे गया हमें ठीक है तो ये हो गया हमारा 19 श्लोका हम ट्वेंटी करेंगे अगर नाइनटीन का क्वेश्चन है तो आप वो डाल सकते हैं इसमें चैट बॉक्स में या फिर मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं तो वी विल डिस्कस ऑल राइट थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा